भाई, कल मैंने एक बुजुर्ग से एक सवाल पूछा कि आप हाथ में रोटी रख के क्यों खाते हो, तो उसने एक बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा और बहुत खूबसूरत जवाब दिया। क्या? मेरी मर्जी साले। तेरी माँ का भोलापन, तेरी बहन की चूड़ियाँ, तेरे बाप का लंदन में बिजनेस। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़े नहीं पाते तो बताए कैसे क्या लिख लेते हैं यार। या लाल मिर्च देना। हाँ, हरी मिर्च देना मैडम को। भैया लाल मिर्च बोला मैंने। हाँ, हरी मिर्च देना मैडम को जल्दी। अबे जले हुए ढोकले तेरे कानपुर में हड़ताल लेके, लाल मिर्च बोली मैं। अरे मैडम शांत, हरी तो मेरे नौकर का नाम है। पर यार मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी कोरोना से इंडिया में डर भी रहा है, उल्टा मजाक बना रखा है इस बीमारी का यार। मतलब कुछ लोग यार देख लो हवन करवा रहे हैं, अबे क्या भूत है वो। अभी चार लौंडे खड़े होके गो कोरोना का नारा लगा रहे, क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो, मतलब मौत को मजाक बना रखा है यार लोगों ने। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़े नहीं पाते तो बताए कैसे क्या लिख लेते हैं यार। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बता दे। तो सुनो, हमारे टूथपेस्ट में नमक, शक्कर, धनिया, पुदीना, गोभी, तुरई, गरम मसाला सब है। सुधर जाओ, ज्यादा नेगेटिविटी मत फैलाओ, ज्यादा रिपोर्टर बनने की जरूरत नहीं है। हम भी न्यूज देखते, वो लोग आग मुंहते पड़े हैं 24 घंटे कोरोना कोरोना कोरोना। यहाँ हम लोग सोशल मीडिया में नहीं रिफ्रेश होने आते, वहां पे तुम लोग शुरू हो जाते हो। ये मर गया तो वो मर गया, ऐसे बचो तो वैसे बचो। अरे बेटा, हमें भी मालूम है बहुत ही क्रूशियल समय है, हमें भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन पॉजिटिविटी फैलाओ यार, नेगेटिविटी से कुछ नहीं मिलता, समझे? एग्जाम के एक दिन पहले सबके दिमाग में तीन चीजें चल रही होती हैं। मुझे सब आता, मैं पेपर तबाह कर दूंगा। दूसरा, कुछ नहीं आता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तीसरा, मैं यहाँ से भागकर कहीं दूर पहाड़ों में अपना मुंडन करवा के एक बुद्ध का जीवन व्यतीत। यार मैं बहुत बेकार हूँ ना? अपने आप को बेकार मत समझ मेरी दोस्त, तेरी एक किडनी मुझे आईफोन दिला सकती है। ओ गुरु, जंगल राज देखा क्या? नहीं देखा तो मेरे घर आके देख लियो बे, तुम्हें सब मिलेगा, शेर मिलेगा, एनाकोंडा मिलेगा, एक्सटिंक्ट जानवर मिलेंगे, और हम उनके सबसे प्यारे शिकार हैं बे। जो मर्जी आता ना वो नोच लेता है हमको, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हम सबसे छोटे हैं, इसीलिए हमारे पास भी औजार है, मैनुअल सर्वाइव देखा है बे, इसीलिए तो ये लगा के बैठते हैं। बोलो। अरे दद्दा, हम तो अपनी अम्मा उनकी एडवाइजरी कमेटी से इतना ज्यादा परेशान हो गए, हमारी हर परेशानी का ना उनके पास कोई ना कोई टोटका होता है। अगर हम पास ना हो तो कहते अंगूठी पहन लो, अगर कोई लौंडिया छोड़ के भागे तो कहती 16 सोमवार का व्रत कर लो। यहाँ तक कि कोरोना के लिए उन्होंने इवलाई पहना दिया है बे, जहाँ वैक्सीन असर नहीं करती, क्या ये घंटा असर करेगा? अरे हफ्ते में 4 दिन तो हम उपवास रहते हैं और शरीर का कोनो अंग बाकी नहीं, जहाँ धागा नहीं बंधा है बे। अरे हमें मुक्ति दिला दो, कोई उपाय सुझाओ भैया। आप कुछ उदास ही लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ भरभूति जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गए भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? तो भाभी जी, उसे अपसेट कहते हैं। हाँ सही पकड़े हैं। ओए कुत्ते सवन। अबे यार बॉयफ्रेंड होते था, कुछ तो रिस्पेक्ट से बात किया कर। अजी सुनते हो तू, रहने दे कुत्ती। अरे दद्दा, हम तो अपनी अम्मा से ना इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्या बताएं, हमारी हर मुसीबत का ना उनके पास कोई ना कोई टोटका रहता है। अगर हम पास ना हो तो कहती है अंगूठी पहन लो, अगर लौंडिया छोड़ के भागे तो कहती है भैया 16 सोमवार के व्रत कर लो। यहाँ तक कि कोरोना के लिए ना हमें इवलाई पहना दिया बे, जहाँ वैक्सीन असर नहीं करती, एक घंटा असर करेगा? हफ्ते में 4 बार तो हम व्रत रहते हैं और शरीर का कोनो अंग नहीं बाकी, जहाँ पे हमारा धागा नहीं बंधा है, हमें इससे छुटकारा दिला दो रे, कोई कमेंट करो कैसे। ओए कुत्ते सवन। अबे यार बॉयफ्रेंड होते था, कुछ तो रिस्पेक्ट से बात किया कर। अजी सुनते हो तू, रहने दे कुत्ती। मुफ्त का ज्ञान बांटने में बहुत मजा आता होगा ना बे। अबे टेड टॉक्स की झाट, यहाँ जिंदगी ना सुनामी बनी पड़ी है, और तुम्हारा जो रेडियो है वो चालू है।
अबे सुन लो, हमें चाहिए सुकून, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर आगे से मिले ना तो सच बता रहे हैं, पिलचा पिल देंगे। समझ में आया? अगर इतने ही अच्छे होते ना तुम, तो तुम अपनी जिंदगी में ना कुछ उखाड़ चुके होते, ऐसे बकलोली नहीं कर रहे होते। अगर मिल गए ना बेटा तो सच बता रहे, कनपटी पे रख के ना गोली चला